मेरे पास 3-4 ऑफर थे। पोस्ट डॉक करने के लिए कनाडा अमेरिका से ऑफर आया था, IIT दिल्ली में हमें साइंटिस्ट का पोस्ट मिल रहा था। मैंने सबको ठुकरा दिया इसलिए कि मैं बिहार के पिछड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके अपना योगदान दे सकूं। इसके बावजूद भी हमें वहाँ से हटाया जा रहा है, तो ये देश के शिक्षा के भविष्य के लिए बहुत ही खतरा साबित होगा। हमारा एम्प्लॉयमेंट ख़त्म होता है, बच्चों की एजुकेशन ख़त्म होती है, और पिछले 3 साल में जो कुछ पैसा गवर्नमेंट ने एजुकेशन के ऊपर खर्च किया है वो सारी पोजीशन वापस वहीं आ जाएगी जहां पर पहले थी। जो उनको मोटिवेट कर रहा है, अगर उसी के राइट्स अगर सिक्योर नहीं होंगे तो ये एक गवर्नमेंट से एक चिंता का विषय है। मैं 6 बार क्या बोलते हैं गेट क्वालिफाई हूँ, 7 बार, और मेरा भी क्या बोलते हैं गेट क्वालिफिकेशन के कारण ही मैंने MTech किया IIT गुवाहाटी से। तो ये सब जो इम्पोर्टेंस है स्टूडेंट को, हम मोटिवेट करते हैं कि आप कंपटीशन में बने रहें, पढ़ें, और हम लोग इसके लिए मोटिवेट करते हैं, उनको पढ़ाते भी, एक्स्ट्रा क्लास भी कराते हैं। देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद है जहां पर भारी संख्या में शिक्षक हैं हमारे साथ, जो लोग अपनी नौकरी बचाने के लिए यहां पर उतरे हैं, अपनी मांग को लेकर उतरे हैं। उनसे ही जानेंगे क्या उनकी मांगे हैं, क्या कुछ वो लोग कहना चाहते हैं। क्या आपकी मांग, कहाँ से आए हैं सबसे पहले आप ये बताएं। मैं बिहार से आया हूँ, मैं डॉक्टर परिमल शाह। 3 साल पहले मैंने PhD IIT मद्रास से प्राप्त किया, और उसके बाद मेरे पास 3-4 ऑफर थे। पोस्ट डॉक करने के लिए कनाडा अमेरिका से ऑफर आया था, IIT दिल्ली में हमें साइंटिस्ट का पोस्ट मिल रहा था। मैंने सबको ठुकरा दिया इसलिए कि मैं बिहार के पिछड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके अपना योगदान दे सकूं। और मैं आपको बताऊं कि वहां जाने के बाद मैंने CRS प्रोजेक्ट, एक है कोलाबरेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट, उसके तहत हम लोगों ने 10 लाख का, किसी का 15 लाख का प्रोजेक्ट हमने सरकार से लिया, और उसमें हमने बहुत अच्छा काम किया। उसमें स्टूडेंट को इन्वॉल्व किया, लैब डेवलप किया, है ना, प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया, और वहाँ पे शिक्षण के कार्य में हमने, है ना, बहुत ज़्यादा, जैसे लॉकडाउन में जो था कि हम क्लास नहीं ले पा रहे थे, तो हमने सारे जो एजुकेशन के जो नए तरीके हैं अपनाया, है ना। तो इसके बावजूद भी हमें वहाँ से हटाया जा रहा है, तो ये देश के शिक्षा के भविष्य के लिए बहुत ही खतरा साबित होगा। इसलिए हमारा मांग है कि हमें रिटेन किया जाए। बिल्कुल, आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। यहाँ सिर्फ बात हमारे भविष्य की ही नहीं है, यहाँ पर हमारे साथ साथ बच्चों का भविष्य भी दांव पर लगा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जिसमें हम पोस्टेड हैं, जहाँ पर कई सारी ब्रांचेज में सिर्फ 1 या 2 फैकल्टीज हैं। अगर हमें हटा दिया जाएगा तो वहाँ पर 50 बच्चों के ऊपर या 100 बच्चों के ऊपर केवल 1 टीचर बचेगा या 2 टीचर बचेंगे, और ऑब्वियसली 50-60 बच्चों को 1 टीचर प्रैक्टिकली पढ़ा ही नहीं सकता। तो सर, हमारे हटने से सिर्फ हमारा नुकसान नहीं है, वो बच्चे, उनका भविष्य भी दांव पर लगा हुआ है। वो जो इस समय हमसे पढ़ रहे हैं, अगर हम 3 दिन के अंदर हटा दिए जाते हैं तो सवाल ये कि 4th दिन उनकी क्लासेस कौन लेगा। ऑलरेडी कोरोना में पिछले 6 महीने से बच्चों की क्लासेस नहीं हुई हैं, और अब जाकर कॉलेज स्टार्ट होने का नंबर आया है, और अगर अब भी वो कॉलेज स्टार्ट नहीं होंगे, अगर अब भी वो क्लासेस खाली पड़ी रहेंगी, तो हमारा एम्प्लॉयमेंट ख़त्म होता है, बच्चों की एजुकेशन ख़त्म होती है, और पिछले 3 साल में जो कुछ पैसा गवर्नमेंट ने एजुकेशन के ऊपर खर्च किया है वो सारी पोजीशन वापस वहीं आ जाएगी जहां पर पहले थी। तो मंदी के इस टाइम में जहां नया पैसा कमाना ही मुश्किल है, वहां पर हम पुराना लगाया हुआ पैसा भी गंवा देंगे। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से IIT NIT से पढ़े स्टूडेंट्स को बच्चे आज के टाइम में अपना रोल मॉडल मानते हैं, लेकिन वही के शिक्षक जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं वो आज शिक्षक हैं, लेकिन वही अपनी जॉब बचाने के लिए आज परेशान हैं। आप क्या कहना चाहेंगे। मैम, बस यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पर बैठे हैं, काफ़ी दिन से वेट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का एक सकारात्मक हमारी तरफ नज़रिया है। वैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स है हमारी तरफ, हमारे काम को देख के, हमारे काम को हमेशा उन्होंने अप्रिशिएट किया है, और ना केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ने बट जो भी ब्यूरोक्रेट्स वगैरह है उन्होंने भी हमेशा इसकी तारीफ़ की है। वर्ल्ड बैंक जो कि इससे रिलेटेड है, उन्होंने भी इस प्रोजेक्ट की तारीफ़ की, हमारे काम की तारीफ़ की है। अभी कुछ दिनों पहले गेट का रिज़ल्ट आया है, तो उसके जो रिज़ल्ट में बच्चों का जो रिफ्लेक्शन है उसके रिज़ल्ट में, वो एक ड्रास्टिक चेंज दिखा है। वो बच्चे जिनको पता ही नहीं था कि कॉलेज में जाना, वो केवल कॉलेज में पास होने के लिए जो आते थे, आज वो बच्चे कम्पीट कर रहे हैं, और ऑल ओवर इंडिया में उनकी अच्छी एक रैंक आई है। हायर स्टडीज़ के लिए वो मोटिवेट हुए हैं, IITs NITs में वो एडमिशन ले रहे हैं, तो वो मोटिवेट हुए हैं, ये मोटिवेशन मिला है उनको, हमसे मोटिवेशन मिला है ये देख के। तो बस उन्हीं के लिए है कि जब जो उनको मोटिवेट कर रहा है, अगर उसी के राइट्स अगर सिक्योर नहीं होंगे तो ये एक गवर्नमेंट से एक चिंता का विषय है। तो होपफुली गवर्नमेंट अच्छा करे, इसी के लिए हम बैठे हैं और आगे भी यही इसके लिए करते रहेंगे, जारी रहेंगे।
बिल्कुल, कितनी उम्मीद है आपको कि आपकी बात जो है वो सरकार सुनेगी, क्योंकि 31 तारीख तक आपके पास समय है, महज 2 से 3 दिन ही बचे, बीच में होली भी है। मैम, सरकार को मेरी बात सुननी ही पड़ेगी, हमारी बात एक्चुअली सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि ये जो टेक्निकल एजुकेशन प्रोग्राम था वो देश के लिए, बच्चों के लिए एक नया एजुकेशन स्टार्ट करने की बात हुई थी, एक पॉलिसी बनी थी ताकि रूरल एरिया में जहाँ पे भी इंस्टीट्यूट में ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है, जहाँ तक जहाँ के बच्चे की ऐसी शिक्षा नहीं मिलती है, वो दूसरे जगह जाते हैं पढ़ने, तो वहाँ इसको बढ़ाया जाए। हमें रिक्रूट किया गया, एक्चुअली मेरा नाम नीतीश कुमार है, मैं NIT पटना से पढ़ा हूँ। तो जो वहाँ NIT का कल्चर हमने देखा है कि वहाँ किस तरह से पढ़ाई है, और जब हम रिक्रूट होकर वहाँ गए एज ए टीचर, तो हमने भी सेम चीज़ें वहाँ पर अप्लाई की है। मतलब मैं एक्स्ट्रा गेट क्लास लेना, जो हमारी कोचिंग थी, जो हमारा सिलेबस था, वो हमें से गेट और IAS के बेसिस पे पढ़ाना है, वहाँ रिसर्च पे ध्यान देना, लैब को एस्टेब्लिश करना, वो सारी चीज़ें 3 साल में, मतलब उसको आपको दिखने को मिलेगा अगर वहाँ पे जाते हैं तो। लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट बंद हो जाता है तो फिर ये स्थिति वैसी आएगी। तो ये कोई मतलब 3 साल का प्रोग्राम नहीं था, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और इनको रिटेन करना ही पड़ेगा। और हमारी सरकार से उम्मीद है कि वो हमारी बात सुने, हमारी टीचर के लिए सुने, बच्चों के लिए सुने और देश का भविष्य के लिए सुने, एक शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने के लिए सुने, उनको हमारी बात सुननी पड़ेगी। सरकार से मुझे यही, आप क्या कहना चाहेंगे? हमें पूरा भरोसा है कि सरकार हमारी बात जरूर सुनेगी, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से बहुत हार्ड वर्क किया है 3 साल के, अपने पूरे जो टाइम होता है हमारा 27 से 30 ईयर्स, वो हमने पूरा टाइम इस जॉब के लिए दिया है, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए दिया है, हमने बहुत अच्छा काम किया है, बच्चों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। हमारी जो तारीफ थी उसमें कई नेशनल स्टेयरिंग कमेटी थी, उसने भी बहुत तारीफ की है कि लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। तो मुझे पूरा भरोसा सरकार ज़रूर सुनेगी हमारी बात। बिल्कुल, आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पुलवामा से आया हूँ। बेसिकली मैं रहने वाला हूँ राजस्थान का, लेकिन चूँकि इस प्रोजेक्ट के अंदर मेरी जॉब जो है वो पुलवामा में है, तो मैं वही जॉब कर रहा हूँ अभी। और मैम, जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था इन 2018 हमने जब ज्वाइन किया था, दैट टाइम लाइक मैं मैकेनिकल में हूँ, दैट टाइम द डिपार्टमेंट वॉज स्टार्टेड, एंड जो पिछले 3 सालों में हमने एक नया डिपार्टमेंट जब सेटअप होता है, तो उसमें जितनी लेबोरेटरीज़ वगैरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ड्यूरिंग दिस टाइम हमने वो पूरी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है, वो पूरी सेटअप करने की कोशिश की है। तो मेरी सरकार से गुजारिश ये है, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से और शिक्षा मंत्री जी से, कि जो हमने काम किया है हम लोग उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारा साथ दें और हमें कंटिन्यू करने की कोशिश करें। जी बिल्कुल, कितनी उम्मीद है आपको सरकार आपकी बात सुनेगी? देखिए, जब हमारे देश में शिक्षा को महत्व दिया जाता है और अच्छी शिक्षा की बात की जाती है, और उसमें आप लोग सहयोग भी कर रहे हैं, लेकिन अब आप इस कड़ी पे मजबूर हैं खड़े होने के लिए कि आपको अपनी जॉब ही बचाने के लिए खड़ा होना पड़ रहा है, क्या कहेंगे? जी, सरकार से हमारी पूरी उम्मीदें हैं, क्योंकि सरकार ने ही ये रिक्रूटमेंट निकाला था और इतने बड़े स्तर पर तकनीकी क्षेत्र में कभी भी रिक्रूटमेंट नहीं हुई थी। तो ये जो रिक्रूटमेंट है वो सरकार के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमारा नियुक्ति किया था। और इसका मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे कि एक गेट के एग्ज़ाम होता है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए। तो उसमें भी जहाँ पे हम विगत वर्षों से कार्य कर रहे हैं, तो इसमें पिछले 2 साल से अभी गेट में रिजल्ट में बहुत अच्छे आ रहे हैं। जैसे मेकनिकल डिपार्टमेंट की बात करें, जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ UT गोरखपुर में, तो वहाँ पर पिछले साल के एक स्टूडेंट ने Under 50 रैंक लाया, इस साल का स्टूडेंट 250 के अराउंड रैंक लाया। तो इस प्रकार से लोग अच्छा परफॉर्म करें। इवन मैं 6 बार क्या बोलते हैं गेट क्वालिफाई हूँ, सॉरी 7 बार, और मेरा भी क्या बोलते हैं गेट क्वालिफिकेशन के कारण ही मैंने MTech किया IIT गुवाहाटी से। तो ये सब जो इम्पोर्टेंस है, स्टूडेंट को हम मोटिवेट करते हैं कि आप कॉम्पिटिशन में बने रहें, पढ़ें, और हम लोग इसके लिए मोटिवेट करके उनको पढ़ाते भी हैं, एक्स्ट्रा क्लास भी कराते हैं कि आप कॉम्पिटिशन में कैसा परफॉर्म करेंगे। तो ये सब हम लोग कर रहे हैं और सरकार इसे ज़रूर देखेगी और ये हमें कंटिन्यू करेगी, ऐसा मैं मुझे तो पूरा भरोसा है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हमारे देश में IIT NIT से पास आउट स्टूडेंट्स को बहुत तवज्जो दी जाती है, और कहीं ना कहीं इसलिए वो लोग बाहर भी जाते हैं फॉरेन में ताकि उन्हें अच्छी जॉब मिल सके, लेकिन आपने ये फैसला किया था कि आप अपने देश में रह के ही देश में ही जॉब करेंगे, देश में ही अपनी सर्विस जो है वो देंगे, लेकिन अब आपको अपनी जॉब जो है वो खतरे में लग रही है, क्या कुछ कहेंगे? मैम देखिए, मैं 3 साल पहले जब मैंने एडवर्टीजमेंट देखा था तो मुझे भरोसा हुआ था ये एडवर्टीजमेंट देख के, क्योंकि इसमें क्या है कि इतना बड़ा जो मतलब इतना कल्चर डेवलप करने की सरकार ने योजना बनाई थी, तो वो वाकई अप्रिशिएट करना चाहिए था, और इसलिए हम सब लोग इसमें आके जुड़े थे। मतलब ये ऐसा था कि जैसे 3 साल पहले सरकार ने एक पौधा लगाया था
और आज वो पौधा एक बड़ा वृक्ष बन चुका है जो कि टीक्यू फैकल्टी है, और उसको सरकार को फल मिल रहा है, सरकार को भी और इंजीनियरिंग कॉलेजेस को भी फल मिल रहा है, तो उनको कंटिन्यूसली उस फल को लेना चाहिए, ना कि ऐसे कि उसको अबेंडन कर देना चाहिए। तो यही मुझे उम्मीद है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि सरकार हमारी बात सुनेगी और इसको कंटिन्यू करेगी। आप क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से आए हुए हैं आप? मैं मदन मोहन मालवीय गोरखपुर से हूँ, ठीक है। मैं मेरा पीएचडी आईआईटी आईएसएम धनबाद से है, और मैं 2018 में एनपीयू को ज्वाइन किया, ठीक है। मेरे को लगा था कि इसमें काफ़ी प्रोग्रेस होगा, और स्टिल इन द एमयूएमएस में भी लिखा हुआ था कि आफ्टर द प्रोजेक्ट ऑल्सो एक सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम दिया जाएगा, जिसके तहत हम लोगों को भी इन द सेंस सस्टेन किया जाएगा आफ्टर द प्रोजेक्ट। उस फ्यूचर को देखते हुए मैं आया, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो इवन हमने जो रिसर्च डेवलप किया है अपने कॉलेज में, उसके अकॉर्डिंग मैं देख रहा हूँ रिसर्च पेपर्स भी वहाँ पे कंटिन्यूसली इंक्रीज़ कर रहे हैं, बच्चे जो हैं काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं इवन रिसर्च में भी, और क्वालिटी भी इनकी इम्प्रूव हो रही है। जैसे कि मेरे साथ के फ्रेंड थे, उन्होंने बताया कि गेट में भी रैंक काफ़ी अच्छी आ रही है, जो कि हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इस चीज़ को देखा है। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है अपने एमयू पे जो उन्होंने दिया था सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम को, उसको वो मतलब कि लागू करने की कोशिश करे जल्दी से जल्दी, ताकि हम लोगों का भी फ्यूचर सिक्योर हो, ताकि बच्चों को भी ये ध्यान में रहे कि आईआईटी एनआईटी से जो फैकल्टीज पढ़ के आई हैं, एटलीस्ट उनका सिक्योर है। तो इट मीन्स देर इज़ सम काइंड ऑफ होप दैट आई एम गोइंग इन एनआईटी एंड आईआईटीज फॉर गेटिंग द एजुकेशन। तो इस तरह का हमको मतलब कि सरकार से उम्मीद है कि ये कंटिन्यू करेगा। जी बिल्कुल, आप कहाँ से आए हुए हैं? जी मैं झांसी से आया हूँ, और मैं आईआईटी गुवाहाटी से एमटेक हूँ, और मैंने ये 2018 में प्रोजेक्ट ज्वाइन किया था। तो मुख्य मुद्दा जो ये है हमारा कि हमसे एक सस्टेनेबिलिटी का प्रॉमिस किया गया था, हमसे कहा गया था कि आप प्रोजेक्ट के बाद भी रहेंगे। हमने अपना सर्वस्व समर्पण किया, हमने अपना समय दिया, हमने पूरी निष्ठा के साथ काम किया, और जब मौका आया कि हमारे बारे में कुछ सोचा जाए या हमें सर्विस पर कंटिन्यू किया जाए, तो सब ने हाथ अपने खड़े कर दिए, हमारा साथ किसी ने नहीं दिया। और हमें सिर्फ इसी बात का शिकवा है कि हमारे साथ कोई नहीं, स्टेट्स ने एकदम हाथ खड़े कर दिए हैं, और सेंट्रल अपने स्तर से प्रयास कर रहा है। हम लोग चाह रहे हैं कि मंत्री जी हमें समय दें, हमारी बातों को सुने। आपकी स्टेट गवर्नमेंट क्या कह रही है इस बारे में? स्टेट गवर्नमेंट इस बारे में डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, हम आपको सस्टेन नहीं कर सकते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट क्लियरली हमें ऑन नहीं करना चाह रहे, वो सोच रहे कि हम उनके लिए लाइबिलिटी हैं। और दूसरा एक जो मुख्य मुद्दा आता है कि रिक्रूटमेंट में कई सारी इरेगुलरिटीज़ हैं, जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि फेयर रिक्रूटमेंट बहुत ही कम पॉसिबल है। तो लोगों को लग रहा है अगर ये लोग इंस्टॉल हो गए जो कि फेयर से आए हैं रिक्रूटमेंट होके, तो उनकी आमदनी का जरिया बंद हो जाएगा। तो इस कारण जो लोग बैठे हुए हैं यूनिवर्सिटी में, वो ये नहीं चाहते कि ये लोग आएँ। अगर ये लोग आ गए तो जो भ्रष्टाचार या उनका पैसा पैदा करने का साधन है वो बंद हो जाएगा। तो ये लोग यूनिवर्सिटी को देते हैं, और उसके बाद सारी चीज़ें हम लोग की सही ढंग से नहीं चल पा रही हैं, स्टेट हमें ऑन नहीं कर रहे हैं। आप बताइए आप कहाँ से हैं? मैं बेसिकली बिहार से आया हूँ, छपरा इंजीनियरिंग कॉलेज से हूँ। और जहाँ तक मैं बिहार की बात करता हूँ, तो कॉलेजेस तो वहाँ रोज़ खुलते हैं, जैसे अभी टोटल 14 इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए 40। लेकिन अगर फैकल्टी की बात करें तो विगत 3-4 सालों से कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है, और हम लोग जो है टेक की फैकल्टी हैं 7 इंजीनियरिंग कॉलेज में हैं, लेकिन उस इंजीनियरिंग कॉलेज में एक्स्ट्रा 3-3 इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहे हैं, ठीक है। तो हम सिर्फ अपने ही बच्चों को नहीं पढ़ा रहे, हम उन 3 इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों को ही पढ़ा रहे हैं। अगर 31 मार्च के बाद हम लोग नहीं रहे तो पता नहीं क्या होगा। हमारे कॉलेज का तो हटाओ, बाकी जो इंजीनियरिंग कॉलेज उनके बच्चों को हम ही पढ़ा रहे हैं। तो हम लोग गवर्नमेंट से यही कर रहे हैं कि एटलीस्ट जो है हम लोग को आगे रिटेन किया जाए, जैसा कि पॉलिसी भी बनी थी कि आपको जो है 31 मार्च के बाद रिटेन किया जाएगा। तो गवर्नमेंट से मेरा नम्र निवेदन है कि हम लोग को आगे रिटेंशन दे, और हम लोग को ही फ्यूचर सिक्योर करे। जैसा कि NEP 2020 अगर मैं बताऊँ आपको कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है कि टॉप 100 टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ और तकनीकी संस्थान जो है भारत में NEP 2020 के अकॉर्डिंग बनाने का विजन है प्रधानमंत्री मोदी जी का। तो इसमें आप अगर देखें काफ़ी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जो हैं हमारे देश के, वो बाहर जाकर के मास्टर्स MS और रिसर्च वगैरह करने के लिए बाहर की यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, जिसके थ्रू तो हमारे देश का पैसा बाहर जा रहा है। यही कारण था कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का ये NEP 2020 के अकॉर्डिंग टॉप 100 टेक्निकल यूनिवर्सिटीज इन इंडिया वो बनाने का उनका विजन है।
तो मेरा कहना, अगर अगर बच्चे, आज के बच्चे अगर ये देखेंगे कि IIT और NIT से मास्टर्स और PhD करके हम अगर आज सड़क पे हैं सरकारी नीतियों के कारण, कमी के कारण, तो वो बिल्कुल कौन चाहेगा NIT और IIT में जा कर के अपनी पढ़ाई करने की। तो ये एक बहुत ही ख़राब मैसेज, अगर आप बोलें एक नेगेटिव मैसेज समाज को, सोसाइटी को जा रहा है कि ये जो हमारे देश के बेंचमार्क हैं, स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशंस हैं NIT और IIT, वहाँ से PhD, पोस्ट डॉक और मास्टर्स डिग्री करके लोग आज, हम लोग आज सड़क पे हैं। तो मैं चाहूँगा कि सरकार हमारी बात को सुने, और क्योंकि उनका भी विजन रहा है ये, इस प्रोजेक्ट में हम लोग उनके विजन से ही जुड़े हैं। हम लोगों ने काफ़ी काम किया है अपने अपने संस्थान में, रिसर्च लैब डेवलप करी है और बच्चों को तैयार किया है कंटिन्यूसली, काफ़ी दिन रात मेहनत करके, और मैं अकेला नहीं हूँ। इस तरह से 1554 फैकल्टीज़ हैं हाईली क्वालिफाइड फ्रॉम IITs एंड NITs, और 1554 परिवार हैं, और हमसे जुड़े लाखों स्टूडेंट हैं जिनका भविष्य अफेक्टेड होगा इस हमारे डिसकंटिन्यूएशन के कारण। सो हमारी रिक्वेस्ट है और सरकार से कि इस हमारे लिए कोई नीति बनाई जाए जिसके कारण हमें सस्टेन किया जा सके आफ्टर 31st मार्च। कॉलेजेस में पढ़ने का सपना हर कोई देखता है, हर कोई स्टूडेंट जो है NIT IIT से पढ़ने वाले पास आउट को अपना रोल मॉडल मानता है और उनसे अच्छा शिक्षा लेना चाहता है, लेकिन वहीं के जब पास आउट स्टूडेंट जो है वो शिक्षक बनते हैं, तो आज देखिए केंद्र सरकार की तरफ से एक प्रोजेक्ट चलाया गया था TUKIP, जो उनमें ये कार्यरत हैं और पिछले 3 साल से हैं, लेकिन अब 31 मार्च को इनका जो है वो प्रोजेक्ट ख़त्म होने वाला है। ये चाहते हैं कि इन्हें रिटेन हो, 31 मार्च से पहले पहले इनका ये जो है रिटेन कर दिया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर ये दिल्ली की सड़कों पर हैं, अलग अलग राज्य से, 12 राज्यों से लोग आए हुए हैं, कोई मध्य प्रदेश से आया हुआ है, कोई बिहार से आया हुआ है, कोई UP से आया हुआ है, अपनी मांगों को लेकर, ताकि सरकार जो है 31 तारीख से पहले पहले इनकी मांगें पूरी कर दे।